दोस्तों आईपीएल 2024 में आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया था और इस मैच के ख़त्म होने के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर से किस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए मिनिमम कितना मैच जीतना पड़ेगा और साथ ही में पर्पल कैप ऑरेंज कैप किसके पास है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल मैचों का प्रेडिक्शन या फिर आईपीएल का पॉइंट टेबल 100% एक्यूरेसी के साथ जानना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ध्यान से टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2024 में आज का ब्लॉकबस्टर मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी पे खेला गया था और इस मैच के खत्म होते ही आईपीएल का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल गया। तो पॉइंट टेबल में 10वें पोजीशन पे है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 11 मैच खेले, जिसमें से 3 मैचों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत मिला और 8 मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी मुंबई इंडियंस की टीम टोटल 11 में से सिर्फ 3 मैच जीतने और 8 मैच हारने के चलते पॉइंट टेबल में 6 अंक बना चुकी है और मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट -0.356 है और मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के दौर से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के इस साल का सफर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि अब मैथमेटिकली भी मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पे है आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 11 मैच खेले, जिसमें से 4 मैचों में गुजरात टाइटंस की टीम को जीत मिला और 7 मैच में गुजरात टाइटंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी गुजरात टाइटंस की टीम टोटल 11 में से 4 मैच जीतने और 7 मैच हारने के चलते 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पे है और गुजरात टाइटंस की टीम का नेट रन रेट -1.200 है और आज वाले मैच में आरसीबी के हारने के बाद अब गुजरात लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अगर गुजरात 14 अंक तक पहुंचेगी भी फिर भी इस टीम का नेट रन रेट इतना खराब है कि इनको नेट रन रेट रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अब गुजरात किसी भी कंडीशन में इस साल प्लेऑफ में नहीं जाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पे है आज के मैच की विनर और फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और आरसीबी ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 11 मैच खेले, जिसमें से 4 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को जीत मिला और 7 मैच में आरसीबी टीम को हार का सामना करना पड़ा, जहां पे आज आरसीबी टीम ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। तो अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम टोटल 11 में से 4 मैच जीतने और 7 मैच हारने के चलते 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पे है और आरसीबी का नेट रन रेट -0.300 है और आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए 3 मैच बचा हुआ जीतना पड़ेगा और अदर टीमों के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो आरसीबी के पास 1% चांस है प्लेऑफ में जाने का। वहीं पॉइंट टेबल में अगले पोजीशन पे है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 10 मैच कंप्लीट किए, जिसमें से 4 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को जीत मिला और 6 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी पंजाब किंग्स की टीम टोटल 10 में से सिर्फ 4 मैच जीतने और 6 मैच हारने के चलते पॉइंट टेबल में 8 अंक बना चुकी है और पंजाब किंग्स की टीम का नेट रन रेट -0.062 है और यहां पर से पंजाब किंग्स को प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम 4 मैचों को जीतना पड़ेगा, तब जाकर के पंजाब के 16 अंक कंप्लीट हो पाएंगे और तभी पंजाब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो पंजाब का आने वाला सभी 4 मैच पूरी तरीके से डू और डाई की तरह होगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पे है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 11 मैच कंप्लीट किए, जिसमें से 5 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत मिला और 6 मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम टोटल 11 में से 5 मैच जीतने और 6 मैच हारने के चलते 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पे मौजूद है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का नेट रन रेट -0.442 है। और अगर यहाँ पर से दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम 3 मैचों को जीतना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली के 16 अंक होंगे और तभी दिल्ली प्लेऑफ में जा पाएगी। तो दिल्ली के आने वाले 3 मैच डू और डाई की तरह होंगे। इसके बाद पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पे है डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 10 मैच में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 5 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत मिला है और 5 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि 50% मैच चेन्नई जीती और 50% मैच हारी है। तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टोटल 10 में से 5 मैच जीतने और 5 मैच हारने के चलते 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पे है और चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट +0.627 है। और सीएसके को यहाँ पर से आईपीएल के प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम 4 में से कम 3 और मैच जीतना पड़ेगा, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स अब यहाँ से मैक्सिमम 1 मैच ही हार सकती है और इनको 3 मैच जीतना ही पड़ेगा। तो आप एक तरीके से मान के चलो कि चेन्नई सुपर किंग्स का सभी मैच यहाँ पर से पूरी तरीके से डू और डाई की तरह होगा। तो आपके हिसाब से क्या धोनी की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, कमेंट में बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 4थे पोजीशन पे है पैट कमिंस की टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, और सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 10 मैच खेले, जिसमें से 6 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत मिला और 4 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी एसआरएच की टीम टोटल 10 में से 6 मैच जीतने और 4 मैच हारने के चलते 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 4थे पोजीशन पे है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट +0.072 है। और अगर यहाँ पर से एसआरएच को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम 4 में से कम 2 और मैच जीतना पड़ेगा। तो सनराइजर्स हैदराबाद के अंतिम 4 में से 2 मैच जीतने पर ही प्लेऑफ में टिकट मिल पाएगा। तो एसआरएच के आने वाले सभी मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पे है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 10 मैच कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 6 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट की टीम को जीत मिला और सिर्फ 4 मैच में ही लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी लखनऊ सुपर जायंट की टीम टोटल 10 में से 6 मैच जीतने और सिर्फ 4 मैच हारने के चलते 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 3रे पोजीशन पे मौजूद है और लखनऊ सुपर जायंट का नेट रन रेट +0.094 है। और यहाँ पर से एलएसजी की टीम को अगर प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम 4 में से कम 2 और मैच जीतना पड़ेगा, तभी लखनऊ सुपर जायंट प्लेऑफ में जा पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे है 2 बार की विजेता और श्रेयस अय्यर की टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 10 मैच कंप्लीट किए, जिसमें से 7 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत मिला और सिर्फ 3 मैच में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम टोटल 10 में से 7 मैच जीतने और सिर्फ 3 मैच हारने के चलते पॉइंट टेबल में 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पे काफी मजबूती से है। और कोलकाता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट +1.098 है। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जाना चाहती है तो इनको बचे हुए 4 में से सिर्फ 1 मैच जीतना पड़ेगा। तो केकेआर के आने वाले 4 में से 1 मैच जीतते ही इनको प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। तो कोलकाता की टीम ऑलमोस्ट आईपीएल के प्लेऑफ के दरवाजे के बाहर खड़ी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है संजू सैमसन की कप्तानी वाली और आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 10 मैच कंप्लीट किए, जिसमें से 8 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत मिला और सिर्फ 2 मैच में ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम टोटल 10 में से 8 मैच जीतने और सिर्फ 2 मैच हारने के चलते 16 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है। और राजस्थान रॉयल्स की टीम को अगर यहां पर से प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो इनको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल के प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है और राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट +0.622 है। तो कुल मिला करके ये था आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल। पर्पल कैप ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास है जो कि 11 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं, और पर्पल कैप जसप्रीत बुमराह के पास है जो कि 11 मैचों में 17 विकेट चटका चुके हैं। तो ये था आईपीएल का नया पॉइंट टेबल, पर्पल कैप ऑरेंज कैप से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।